आज बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमारा देश भारत एक कैंसर कैपिटल बन गया है। जहाँ भारत देश में इतनी खुशियाँ, इतनी खुशहाली, सोने की चिड़िया जो कहलाता था, वो आज एक कैंसर कैपिटल बन गया है। हर 10 में से एक इंसान को कैंसर है, हर 3 में से 2 इंसान प्री डायबिटिक हो चुका है। क्या पता आप भी टेस्ट कराएं और आप भी प्री डायबिटिक आए। हर 3 में से एक इंसान बीपी की गोलियां खा रहा है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसुलिन ले रहा है। तो क्यों हम इतनी बीमारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? क्यों हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे? क्यों अपने बच्चों को भी ये नहीं सिखा रहे कि बेटा अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए? क्या करेंगे आप उस पैसे का, या उस पढ़ाई का, या उस कमाई हुई अपनी धन दौलत का, अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं रहेगी? अक्सर ये देखा जाता है कि आप कमाई के चक्कर में हम लोग हेल्थ को पीछे छोड़ देते हैं। आप चलो हेल्थ को अगर पीछे छोड़ के कमाई पे ध्यान दोगे, पर वो कमाई कहीं ना कहीं तो जाके खर्च करोगे, किसी एज पर तो जाके खर्च करोगे। ऐसा ना हो कि आप उसे खर्च करने लायक ही ना रहे। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने शेड्यूल को ठीक कीजिए, अपने हार्मोनल इम्बेलेंस को ठीक कीजिए। आज बहुत दुख हुआ है जानकर के कि कैंसर कैपिटल आज हमारा देश बन चुका है। तो इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिए। और आप लोगों ने बहुत ज्यादा नोटिस किया होगा, आजकल हर तरफ से यही खबर मिलने को आ रही है, उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया, उनको हार्ट अटैक आ गया, उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया, और अचानक से अच्छे भले थे कार्डियक अरेस्ट हो गया, चलते फिरते थे कार्डियक अरेस्ट। क्योंकि इतना केमिकल हम लोग खा चुके हैं, इतना केमिकल हमारे अंदर जा चुका है कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो प्लीज हेल्दी रहिए, हेल्थ को अपनाइए। नवरात्रे आ रहे हैं, डिटॉक्स करिए अपनी बॉडी को। दवाई जो हम खाते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जमा होते हैं। तो डिटॉक्स करिए अपनी बॉडी को। ये जो कैंसर कैपिटल का टैग हम पे लग गया है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हटाया जाए और हम लोग बिल्कुल ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच।